सो है गाइज, कैसे हो सारे? आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप लाइटरूम एप्लीकेशन का यूज करके कुछ इस टाइप का कलर टोन फोटो एडिटिंग कैसे कर पाओगे। एंड गाइज, ये फोटो एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा न्यू कॉन्सेप्ट होने वाला है। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है। वीडियो को जल्दी से कर देने का लाइक। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखना, ठीक है गाइज। आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक ने मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी नहीं फॉलो किया तो क्या कर रहा है, जाओ इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लो, लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए वीडियो के आप स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, सबसे पहले आप लोगों को लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद ये वाला प्रीसेट का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड करके लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। एंड जो आप लोग फोटो एडिट करने वाले हो वो फोटो को भी, आप लोग नॉर्मल फोटो को भी ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर स्टेप में प्रीसेट का कर लेता हूँ ओपन। तो मैं यहाँ पे हमारा प्रीसेट का अंदर कर देता हूँ क्लिक। एंड प्रीसेट का अंदर क्लिक करने के बाद आप लोग को सिंपल इस प्रीसेट का सारा सेटिंग को कॉपी कर लेना है। तो इस प्रीसेट का सारा सेटिंग को कॉपी करने के लिए आप लोग सिंपली कॉर्नर पे यहाँ पे थ्री डॉट का आइकन पे क्लिक कर लेना है। एंड थ्री डॉट का आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोग सिंपल से ऊपर की तरफ जाना है। एंड ऊपर की तरफ जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा कॉपी सेटिंग। तो सिंपली आप लोग को कॉपी सेटिंग पे कर देना है क्लिक। वो कॉर्नर पे राइट वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपका प्रीसेट का सारा सेटिंग कॉपी हो गया। तो सिंपली आप लोग को बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आप लोग आपका नॉर्मल फोटो को ओपन कर लेना है। एंड नॉर्मल फोटो को ओपन करने के बाद आप लोगों को फिर से जाना है थ्री डॉट का आइकन पे, ठीक है। तो आप लोग सिंपल यहाँ पे थ्री डॉट का आइकन पे कर देना है क्लिक। एंड क्लिक करने के बाद आप लोग सिंपली नीचे को जाना है, यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को पेज सेटिंग। पेज सेटिंग पे कर देना है क्लिक। एंड पेज सेटिंग पे आप जब भी क्लिक करोगे गाइस, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपका फोटो यहाँ पे एक क्लिक के अंदर ही एडिट हो गया। तो आप लोग को थोड़ा सा मैनुअली एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनुअली एडजस्ट करने के लिए आप लोग को सिंपली कलर्स वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। कलर्स वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा मिक्स। मिक्स पे क्लिक कर लेना। मिक्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग को सिंपल से यहाँ पे थोड़ा सा गाइस देख सकते हैं फेस के अंदर थोड़ा सा मॉडी वाला इफेक्ट है, तो इसको हम लोग रिमूव कर लेंगे। तो रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड इसका सैचुरेशन को हम लोग ज़्यादा माइनस कर लेंगे जो 50। एंड 50 रखने के बाद इसका लुमिनेंस को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 24, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सिंपली येलो कलर को सिलेक्ट कर लेना है। येलो कलर को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे सिंपल इसका सैचुरेशन को प्लस कर लेना है। यहाँ पे माइनस है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कलर डाल देंगे ऑरेंज वाला। तो इसको हम लोग प्लस करेंगे जितने उतना ही ऑरेंज वाला यहाँ पे कलर इफेक्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे प्लस 30 रख लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपल आप लोग इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं इस मिक्स टूल की मदद से, ठीक है। इस तरीके से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग कर देना है डन पे क्लिक। डन पे क्लिक करने के बाद आप लोग सिंपल यहाँ पे जाना है इफेक्ट अंदर। इफेक्ट अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा वगैरह एडजस्ट हुआ है पहले से ही, क्योंकि यहाँ पे प्रीसेट की मदद से यहाँ पे एडिट हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर लेना है। यहाँ पे टेक्स्ट टूल को आप लोग यहाँ पे माइनस कर लेना है -20, ठीक है। एंड टेक्स्ट टूल को आप लोग -20 करने के बाद आप लोग गाइस देख सकते हैं आपका फेस यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ हो गया। तो आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट टूल को -20 कर सकते हैं। 20 रखने के बाद इसका वीगनेट को आप लोग थोड़ा सा और भी ज़्यादा माइनस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वीगनेट को रख देता हूँ 40, ठीक है। 40 रखने के बाद आप लोग इस तरीके से गाइस जैसे कि देख सकते हैं आपका फोटो यहाँ पे कितना अच्छा लुक दे रहा है, रिटचिंग हो गया आपका फोटो यहाँ पे। तो इस तरीके से आप लोग मैनुअल भी एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इस तरीके से आप लोग एक क्लिक के अंदर ही फोटो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस, मैं फिर से बोलूँ, एक बार प्रीसेट का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड करके फोटो के अंदर किसी भी फोटो के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फोटो आ गया कम्प्लीट। तो फोटो को सेव कैसे करना है? सेव करने के लिए तो आप लोग यहाँ पे शेयर वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। एंड सिंपली आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा सेव टू डिवाइस। सेव टू डिवाइस पे कर देना है क्लिक। एंड सेव टू डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आपका फोटो यहाँ पे गैलरी के अंदर फाइनली सेव हो गया। सो गाइस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला प्रीसेट का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं किसी भी फोटो के अंदर, ठीक है। एंड गाइस, वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट कर बताना। आई होप कि वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना एक लाइक। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।